सीएम भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मारे किसानों के परिजन को 50 लाख रुपए राहत राशि देने पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने तंज कसाया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के किसानों और आदिवासियों की मौत पर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। कवर्धा में आग लगी है, उसके लिए समय नहीं है। मुख्यमंत्री अब छत्तीसगढ़ के नहीं, गांधी परिवार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी गए हुए हैं। दो दिन पहले कृषि कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के आगमन विरोध पर जताते हुए लखीमपुर खीरी के चार किसानों की झड़प के दौरान मौत हो गई थी। भूपेश बघेल के लखीमपुर में प्रभावित किसान परिवारों से मुलाकात के पहले छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मृत किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई है। और चलिए अब आपको वो भी बताते हैं कि भूपेश बघेल ने 50-50 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ साथ सुनील सोनी ने किस तरीके से इस पर पलटवार किया, सुनिए। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है, तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपया, जिसके परिवार में अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी जो हैं, वो उत्तर प्रदेश में जाके नेतागिरी कर रहे हैं। वहाँ पर लखनऊ के अंदर में धरने में बैठ रहे हैं। वहाँ के किसानों को जो है 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आप जो कवर्धा जल रहा है और 3 दशक के बाद में कर्फ्यू लगा है, उसकी चिंता नहीं है। बस्तर के अंदर में आदिवासी भाई लोगों की मृत्यु हुई, उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। सैकड़ों किसान की मृत्यु हुई, उसको 1 रुपया देने के लिए नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जाकर वहाँ पर 50-50 लाख रुपए देने के लिए छत्तीसगढ़ का खजाना खोल दिया है। तो ये कुल मिलाकर जो है भूपेश बघेल जी जो है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, उस जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ को छोड़कर वो गांधी परिवार के मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो इस बात को जो है वो आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी और उनसे हिसाब पूछेगी।